ओम ब्रह्मणे नमः, ओम श्री विष्णुवे नमः, ओम श्री दुर्गादेव्यं नमो नमः, हरि ओम सांब सदा शिवाय नारायणाय नमो नमः। भगवान शिव की जब पूजा हम किया करते हैं तो भगवान शिव की पूजा करने से सभी देवता प्रसन्न हो जाया करते हैं। शिव का जो सबसे मूल जमीन से सटा हुआ जो क्षेत्र होता है वहाँ ब्रह्मा निवास करते हैं। उसके बाद शिव के जो अर्घा का जो नीचे का भाग होता है वहाँ भगवान विष्णु का निवास होता है, और जहाँ जल गिरता है इस जगह पे वहाँ इस तरफ जो है वह गणेश जी का वास होता है। उसके ठीक दूसरी तरफ जो है दाहिनी तरफ जो है वह भगवान कार्तिकेय का वास होता है। इसके बीच में इस जगह पे अशोक सुंदरी भगवान शंकर की पुत्री है उनका निवास होता है। यह जो आप अर्घा देख रहे हैं यह गोल अर्घा है। इस अर्घा में जो है वह महा पार्वती के साथ सभी दुर्गा आदि शक्तियाँ निवास करती हैं, और आदि मध्यांत हीनाय निर्गुणाय गुणात्मन जो अंतिम भाग है सबसे ऊपर छोर जो है इस ऊपर छोर में भगवान शिव शंकर का निवास होता है। तो इस तरह भगवान शंकर की पूजा करने से सभी देवताओं की पूजा हो जाया करती है, और भगवान की कृपा से ये नर्मदेश्वरनाथ है। इस नर्मदेश्वरनाथ की लंबाई जो है वह 7 फीट की है। संपूर्ण लंबाई आप देखेंगे तो 2 फीट नीचे है, बाकी का क्षेत्र ऊपर भाग है, और यह संभवतः दुनिया के दूसरे बड़े नर्मदेश्वर शिवलिंग है जिनकी आराधना मैं कर रहा हूँ वर्षों से। इसके साथ ही यहाँ यह है कि इनकी मंदिर बनेगी लेकिन नवरात्रि काल में और सावन के महीने में। यहाँ सदैव जो है वह मुख्य मुहूर्त पर हवन का आयोजन किया जाता है, क्योंकि ये अग्नि जो है वह रुद्र का स्वरूप ही अग्नि है, इसलिए हवन करने से रुद्र की प्रसन्नता हो जाया करती है। और यहाँ तक कहा गया है कि इसी अग्नि के पुत्र जो कार्तिकेय स्वामी हैं, सुब्रमण्यम स्वामी जिसे कहा गया है, वह इसी अग्नि रूपी रुद्र के पुत्र हैं, इसलिए इस अग्नि को प्रसन्न करने से हवन करने से सभी देवता प्रसन्न हो जाया करते हैं, और पितर लोग भी प्रसन्न हो जाया करते हैं, क्योंकि स्वाहा जो है उनसे जब हम स्वाहा करते हैं तो देवताओं को प्राप्त होता है यज्ञ भाग, और जब हम स्वधा करते हैं तो पितरों को यज्ञ भाग प्राप्त होता है। इसलिए हमारे यहाँ जो है वह यज्ञ का बहुत महत्व है, हवन का बहुत महत्व है। हवन का यह जो धुआं निकलता है आप देखें कि इस धुआं को लेने के लिए कितना खर्च किया गया इस कोविड काल में। तो यह जो है यह धुआं है और तरह तरह का हवन सामग्री है। हम लोग इसमें फल का भी हवन करते हैं, मिठाई का भी हवन करते हैं, क्योंकि यह ब्रह्मचारिणी की पूजा है तो ब्रह्मचारिणी देवी को जो है वह घी की बनी हुई वस्तुएं बहुत पसंद है, और ये घी की बनी हुई लड्डू है। ब्रह्मचारिणी जो है वह बाल्यावस्था में है। ब्रह्मचारिणी के बाल्यावस्था में होने से क्या होता है, बच्चों को घी की चीज़ें बहुत पसंद आती है, बच्चों को है फल मेवा मिष्ठान बहुत अच्छा लगता है, इसलिए जो बच्चों को पसंद हो उसी चीज़ की हवन आज जो है वह ब्रह्मचारिणी के पूजन में की जाती है। और यह हवन जो है वह मुहूर्त के अनुसार रात्रिकालीन हवन ही होता है, और रात्रिकालीन हवन में करने से सभी तरह की वांछित कामना आप जो सोचेंगे आपकी कामनाओं की पूर्ति हो जाया करेगी। इसलिए कामनाओं की पूर्ति के लिए भगवती ब्रह्मचारिणी के पूजन के लिए कुछ घी के बने हुए सामान की जरूरत होती है हवन करने के लिए, और इसके साथ ही जो पलाश की लकड़ी है वो पलाश की लकड़ी और अन्य कुछ चीज़ों को देखिए केला वगैरह को मिला करके हवन किया जाता है। तो इस तरह से जो है आप हवन करके अपनी सभी कामनाओं को पूरा कर सकते हैं, फल डाल करके भी हवन कर सकते हैं आप, और हवन करने से यह भाग जो है वह सीधे देवताओं को प्राप्त होता है। देवता सदैव ऊपर निवास करते हैं, और ये हवा होती है, इससे जो हवा निकलता है धुआं निकलता है, यह वातावरण इसे जो है वह सुव्यवस्थित हो जाया करता है, और इसी हवन से बारिश होती है, प्रकृति प्रसन्न होती है, और जब प्रकृति प्रसन्न हो जाया करती है तो वह प्रकृति प्रसन्न होकर के हमें नहीं सभी सारे वातावरण को सभी लोगों को समान रूप से संरक्षण करती है। आज कोविड में प्रकृति नाराज है, हम जो है वह एकात्मवाद की तरह नहीं, हम प्रकृति को अपने भाई अपने बाप अपने पिता अपने माता की तरफ नहीं मान रहे हैं, लेकिन यज्ञ में यह कहा गया कि हम प्रकृति जो है वह
सत तू वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण प्रकृति हमारा बंधु भाई है। लेकिन अगर हम प्रकृति को बंधु भाई माने तो यज्ञ करें, और यज्ञ करने से क्या है, हम पृथ्वी की रक्षा करते हैं, पर्यावरण की रक्षा करते हैं इस हवन से। इसी हवन से जो है वह हवा की रक्षा होती है, प्रदूषण समाप्त होता है। इसी हवन से जब गर्मी उठती है तो जल की बारिश होती है। तो इस तरह से हम प्रकृति संरक्षण के लिए और भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए, माँ ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करने के लिए हम हवन करते हैं। हरि ओम, ओम ब्रह्मचारिणे नमः स्वाहा। ओम ऐं क्लीं चामुंडाय विच्चे ब्रह्मचारिणे नमः स्वाहा। ओम ऐं क्लीं चामुंडाय विच्चे ब्रह्मचारिणे नमः स्वाहा। ओम ऐं क्लीं चामुंडाय विच्चे ब्रह्मचारिणे नमः स्वाहा। स्वाहा स्वाहा स्वाहा। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायण नमस्ते। ओम ऐं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः स्वाहा। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायण नमस्ते। ओम चामुंडाय विच्चे नमः स्वाहा। स्वाहा स्वाहा स्वाहा। स्वाहा 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 स्वाहा। स्वाहा 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 स्वाहा। ओम हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय महारुद्राय यागच्छ यातिष्ठ। ओम भगवन श्री महाकालाय नमः स्वाहा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम हर 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 महादेव। श्री शंभु कैलाशपति कैलाश के राजा। ओम बम 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 बाणी फुलकाराय ज्ञान प्रदाय जटाधाराय दारिद्र दुखहरणाय नमन नर्मदेश्वराय प्रिय महामृत्युंजयनाथाय नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांतिः, ओम शांतिः, ओम शांति ही।